हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में बात करते हैं हम यूजी प्रोग्राम की जो मेरिट लिस्ट आई है 1.2 की, उसके बारे में। तो देखिए, ये लिस्ट किन किन प्रोग्राम के लिए आई है और क्या क्या रूल है जो आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज़ में आप पहले अपना नाम देख लें लिस्ट में, उसके बाद में जो ये रूल हैं, फीस कब तक सबमिट करनी है, कैसे क्या कुछ करना है, क्या क्या रूल रहेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये जो लिस्ट आई है ये आई है बी टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जिसमें जनरल की कट ऑफ है 436 और 365 पे इसका जो लास्ट है वो एडमिशन हुआ है। EWS के लिए 457 और EWS 325 लास्ट कट ऑफ। OBC के लिए 408 और लास्ट कट ऑफ गई है 322। SC के लिए 351 और 280 लास्ट। ST के लिए 261 और 208, मतलब दो सीट हैं ST की, उसके लिए गई। इसके बाद लिस्ट आई है बी फार्मा की 484 है जनरल के लिए और 421 है लास्ट कट ऑफ। उसके बाद OBC नॉन कम्यूनल के लिए 419 और 383 लास्ट, ठीक है। SC कैटेगरी के लिए 379 और 251 लास्ट। ST के लिए 310 और 210 लास्ट, ठीक है। इसके बाद में बात करें फार्मासी की, ये देखिए EWS की कट ऑफ 298 तक गई है, जहाँ तक इनका एडमिशन हुआ। इसके बाद BALLB की बात करें तो BALLB की ये सेकंड लिस्ट है, इससे पहले भी एक लिस्ट आ चुकी है। जनरल के लिए 127 और 112 लास्ट कट, 113 लास्ट कट हो गई है। EWS की 112, ST के लिए 34 और SC के लिए 84, ठीक है। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 101 लास्ट कट ऑफ। तो ये जो नाम है ये आप अपने नाम चेक कर सकते हैं, अगर आपका नाम आया है तो अब आप आगे देखिए कि आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, ये जो सिलेक्शन लिस्ट है ये सिर्फ प्रोविजनल है, इसका मतलब कि आपका एडमिशन पक्का नहीं हुआ है। पक्का आपका एडमिशन तब होगा जब आप 19 अगस्त की रात के 12 बजे से पहले अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट कर देंगे ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर, ठीक है। इसके अलावा आपको जो फीस सबमिट करने का जो लिंक है ये रहेगा समर्थ पोर्टल पे, जहाँ से आपने काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था वहीं पे आपका फीस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा समर्थ पोर्टल पे, CUET समर्थ, ठीक है। तो और इसके बाद इन्होंने बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, मतलब अपनी सब्जेक्ट में एडमिशन का, उसको फुलफिल करते हों, है ना, उसके बाद आपका नाम आया हो तो ही आप फीस सबमिट करें, ठीक है। और कैंडिडेट जो कि SC ST OBC नॉन क्रिमिनल के लिए हैं, जिनका नाम अनरिजर्व कैटेगरी में आया है, उनको भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना जरूरी है, ठीक है। उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई बंदा रिजर्व कैटेगरी का है लेकिन उसने जनरल क्वालिफाई करके, मतलब जनरल कैटेगरी के मार्क्स में उनका नाम आया है, तो उनके जो क्राइटेरिया होगा उनका एलिजिबिलिटी का, वो जनरल के हिसाब से होगा, ठीक है। और देखिए, जो वेरिफिकेशन तक है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, तब तक आपका एडमिशन प्रोविजनल माना जाएगा, इसके बाद ही आपका एडमिशन जो है वो पक्का होगा, ठीक है। इसके बाद दे रखिए कि अगर एडमिशन कैंसिल करते हैं कैंडिडेट, ठीक है, तो अगर आप क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं और एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपको फ़ीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लें, CUP के UG प्रोस्पेक्टस में आपको सारा कुछ क्राइटेरिया दे रखा है अपने अलग अलग कोर्स के हिसाब से, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल की वेरिफिकेशन की जो रिपोर्टिंग का टाइम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो बाद में अनाउंस की जाएगी। बेसिकली जब सारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद जो है आपकी जो लिस्ट, वो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन है, उसके लिए आपको वहाँ पर बुलाए जा रहे हैं। और हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, और मतलब यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी सबको हॉस्टल मिले ये भी ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन जो रूल के अंडर आएंगे उनको हॉस्टल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। और कोई भी, और इसके बाद भी आपको मैं बता दूं कि इसके बाद भी और भी लिस्टें आएंगी, जिनमें मान लीजिए अब ये जो बच्चे इनका नाम आया, इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे यानी फीस सबमिट नहीं करेंगे, तो उनकी सीट खाली हो जाएगी। उसके बाद जो बच्चे आएंगे उनका नाम इसमें अगले वाली लिस्ट में आएगा, ठीक है। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।